नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। क्या आप फोन पे यूज़र हैं, यानी कि आप भी अगर फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं फ़ोन पे एप्लीकेशन का, तो मैंने फ़ोन पे एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए फ़ोन पे रिलेटेड टॉपिक पर। और यहाँ पे जो कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं, आपने किसी को पैसे भेजे और किसी गलत अकाउंट में पैसे चले गए, या फिर ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया, या फिर आपने रिचार्ज किया और आपका जो कैशबैक था वो आपको मिला नहीं, या फिर आपने अपना वॉलेट को क्लोज़ किया और आपका जो कि पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी आपका फ़ोन पे में इशू है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, तो आपको प्रॉब्लम आता है और आप चाहते हैं कि आप कस्टमर सपोर्टेड से बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, पर अभी लॉकडाउन के कारण जो है कि कस्टमर सपोर्टेड से आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं फ़ोन पे के जो कस्टमर सपोर्टेड है, या फिर अगर कॉन्टैक्ट हो भी जाती है तो आपको वहाँ पर बहुत टाइम लगता है, जो कि इतना टाइम किसी के पास नहीं। आधे घंटा आप जो करके आधे घंटे आप किसी कस्टमर सपोर्ट में बात करें और वो भी ये कन्फर्म नहीं कि आपकी बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे, अगर आप फ़ोन पे यूज़र हैं तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, चाहे कैशबैक से रिलेटेड, या फिर अगर आपका वॉलेट बैलेंस को आपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया क्लोज़ करके, या फिर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका जो फ़ोनपे का एप्लीकेशन है, यहीं से आप अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो फ़ोन पे का एप्लीकेशन है इसको ओपन करेंगे और ओपन करने का आपके सामने यहाँ पे होम पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आपको होम में आइए तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और गौर से देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे कॉर्नर में आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर का यहाँ पे आइकन मिलेगा। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे जो कि देख सकते हैं हेल्प का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं इशू विद द ट्रांजेक्शन, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं अकाउंट सिक्योरिटी इशू रिपोर्ट, उसके बाद माय अकाउंट एंड KYC, उसके बाद बैंक UPI, डेबिटेड क्रेडिट कार्ड, फ़ोनपे वॉलेट, फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड, ऑटो पे एंड पेमेंट रिमाइंडर, मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज, यानी कि जो भी आपका रीज़न है, यानी मान के चलिए मैंने किसी को ट्रांजेक्शन किया, पैसे मैंने किसी सेंड किया, या फिर हमने बिल पे किया, तो सारे जैसे आप ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे आपके ट्रांजेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। और उसके ऊपर जैसे आपको जो भी ट्रांजेक्शन फेल्ड है, तो जैसे आप ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और ट्रांजेक्शन पर क्लिक करने के आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि आप अपना जो कि रीज़न सेलेक्ट कीजिए, आपको क्या यहाँ पे इशू आ रहा है कि आपका जो कि पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, या फिर जो भी आपको जो कि ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया, आपको बैक मनी चाहिए। फिर आप बैक जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं अकाउंट सिक्योरिटी इशू रिपोर्ट दें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपका इसका प्रॉब्लम होगा, फिर जाएंगे यहाँ पे माय अकाउंट KYC में, तो प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में QR कोड, यहाँ पे जो कि QR कोड पे क्लिक करेंगे तो आपका QR कोड होगा, यहाँ पे माय सेव एड्रेस में आपका जो कि एड्रेस सेव होगा फ़ोन पे वो आपका शो होगा। फिर यहाँ पे जाएंगे माय लैंग्वेज में, माय पासवर्ड में जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे जाएंगे अकाउंट रिलेटेड इशू में, तो जो भी आपका यहाँ पे आपका जो कि अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, ब्लॉक करना चाहते हैं, जो भी आपका यहाँ पे प्रॉब्लम है, सारे यहाँ से जो कि यहाँ से आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जाएंगे यहाँ पे फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड वॉलेट में, तो फ़ोन पे वॉलेट में जाएंगे, हाउ डू यानी ब्लॉक करना चाहते हैं, या फिर जो भी आपके सारे आपको जो भी कस्टमर सपोर्ट से आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, सारे आप फ़ोन पे की एप्लीकेशन में ही आप जो कि यहाँ से सारे जो कि कस्टमर जो भी आपको यहाँ से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को आप जो कि सॉल्व भी कर पाएंगे। आपको यहाँ पे इंस्टेंट आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा और जैसे ही आप किसी वहाँ पे कुछ भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो जो भी आप यहाँ पे जाएंगे व्यू टिकट में और व्यू भी आपका जो रिक्वेस्ट जो भी आपने कंप्लेन किए हैं, तो यहाँ पे जाएंगे तो हो सकता है कुछ आपको जो कि यहाँ पे सेटल जो भी आपका यहाँ पे टिकट होगा वो आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे लोड टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे, लोड ऑर्डर टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जितने सारे आपके जो टिकटेड होंगे, यानी कि जो भी आपने कंप्लेन किया जिस रिलेटेड से, यहाँ पे देख सकते हैं वॉलेट से रिलेटेड मैंने किया था, फिर वॉलेट टॉपअप से रिलेटेड किया था, इशू ट्रांजेक्शन जो भी आपका जिस भी रिलेटेड का टिकट होगा सारे यहाँ पे जो कि शो करेगा। फिर जैसे मान के चलिए जो कि यहाँ पे मैंने वॉलेट रिलेटेड मैंने किया था, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो भी आपका प्रॉब्लम, यानी कि जो भी आप उधर से रिक्वेस्ट आए हो, उधर से रिप्लाई आए हो, आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जरूरी नहीं कि आप कस्टमर सपोर्टेड से ही बात कर सकते हैं, यहाँ से भी इंस्टेंटली आप जो आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप फोन पे वीडियो पसंद आया होगा